नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास टेंथ मैथ का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो रिलेटेड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। करा दोस्तों, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, पहला दिया गया 135 एंड 225, दूसरा दिया गया 196 एंड 38220 एंड थर्ड दिया गया दोस्तों 867 एंड 225। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। देखिए यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम, या इसको लेमा भी बोलते हैं। ओके, ये देखिए छोटे क्लास में जो हम पढ़े थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर, उसको समझिए। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड को ए लेट कर लीजिए, डिविजर को बी लेट कर लीजिए, क्वेश्चेंट को क्यू लेट कर लीजिए और रिमाइंडर को आर लेट कीजिए। यहाँ दोस्तों लोगों का रिजल्ट क्या है बताइए, ये हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ओके, वेयर आर का जो पॉसिबल वैल्यू होगा सो बड़ा या बड़ा होगा जीरो से, लेकिन छोटा होगा किससे, बी से होगा। तो यही दोस्तों यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। ओके, रिमाइंडर हमेशा जो होगा सो छोटा हो जाएगा किससे, डिवीजर से। ओके, अब बड़ा होगा किससे, या इक्वल होगा किसके, जीरो के। ओके दोस्तों, तो यही था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग निकालना है 135 एंड 225, इसका हम लोग निकालना है एचसीएफ निकालना। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले लिखिएगा, क्लियरली लिखिएगा, क्लियरली देखिए 225 जो है बड़ा है किससे, 135 से। ओके, तो इसका पहले हम लोग रफ में क्या करें, एचसीएफ यहाँ पे बगल में निकाल लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे है 225 है और यहाँ पे 135, तो 135 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 135 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 270 हो जाएगा, तो 1 से लगाइए ये हो जाएगा 135। माइनस कीजिए दोस्तों, देखिए 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा। ओके, अब ये क्या होगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये 135 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम लोग छोटे क्लास में एच सी एफ निकालते थे, फिर 91 या 90 बचा यहाँ पे 5 और यहाँ पे बचेगा 4 बचेगा। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 90, तो 45 टू जा 90। तो दोस्तों देखिए जहाँ पे कट गया उससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हम लोग का एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका एच सी एफ यूक्लिड डिवीजन लेमा से। देखिए हम लोग कैसे इसका स्टेप लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे स्टेप वन, लिखेंगे स्टेप वन। देखिए स्टेप वन में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ। देखिए पहला स्टेप यहाँ पे है, दूसरा स्टेप यहाँ पे है और तीसरा स्टेप यहाँ पे है। ओके दोस्तों, जहाँ जहाँ हम लोग डिवाइड किए हैं वहाँ वहाँ स्टेप हो गए। ठीक है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। तो यहाँ पे देखिए पहले लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पे क्या बताइए, 225 इक्वल टू डिविजन कितना है, 135 इंटू परसेंट कितना है, 1 प्लस रिमाइंडर कितना है, 90। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू परसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड कितना है 225 इक्वल टू डिविजन कितना है 135 इंटू क्वेश्चन कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 90। ये स्टेप वन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लिखिए स्टेप टू, स्टेप टू, और देखिए स्टेप टू कहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर लिखिएगा डिविडेंड क्या हो जाएगा, 135 इक्वल टू डिविजन 90 इंटू क्वेश्चन कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45। ओके, अगला लिखिए स्टेप थ्री, स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में क्या देखिए, डिविडेंड कितना है 90 है, तो ये हो जाएगा हम लोग 90 इक्वल टू 45, डिविड कितना है 45 इंटू क्वेश्चन कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। दोस्तों जब रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाएगा तो समझिए कि हम लोगों का ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में लिखिए हैंस एच सी एफ, लास्ट में लिखेंगे दोस्तों हैंस एच सी एफ
ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू कितना दोस्तों हो गया, इसका आंसर कितना हो गया 45। तो यही दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग ये दिया गया 196 एंड 3822 जीरो दोस्तों दिया गया है। तो यहाँ पर लिखिए क्लियरली 38220 इज बिगर देन कितना 196। तो पहले इसका एस सी एफ निकाल दीजिए। देखिए 38220 196 इसको डिवाइड लगाइए। देखिए दोस्तों 196 को 1 से मल्टीप्लाई कर तो 196 हो जाएगा, और 196 को 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए। देखिए 196 को 2 से मल्टीप्लाई करते 2 से 12, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 1 जा 2 और 1 3 कितना 392। लेकिन यहाँ पे कितना चाहिए 192 चाहिए, तो ज़्यादा हो रहा है तो 1 से लगाइए। तो हो जाएगा 196, 12 में 6 गया तो दोस्तों हो गया 6, ये हो गया 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे 17, 17 से 9 गया तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया तो हो जाएगा 1। ओके उतरेगा कितना यहाँ पे 2। ओके दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 196 है लगभग में 200 के आसपास में है, और यहाँ पे कितना 1800 समथिंग है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितना आता है। देखिए 196 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 196 को 9 से 96 जा 54 बचा 5, 99 जा 81 और 5 86 बचा कितना 8, 91 जा 9 और 8 17 1764। ओके दोस्तों देखिएगा फिर से 96 या 54 जैसे ये 9 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1764। देखिए 12 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 8, और ये हो गया कितना 15 में 6 गया तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, 7 में से 0 गया तो 0, ये भी 0 बचा कितना 0। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना है, ये 9 है तो यहाँ पे हम लोग देखिए इसको 5 से लगाते हैं तो कितना आ जाता है। देखिए 196 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 30, 5 9 जा 45 और 3 48, 5 जा 5 और 9, ठीक है 980 आ रहा है 5 टाइम्स में, ये हो जाएगा दोस्तों 980। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। देखिए एक ही स्टेप में दोस्तों ये पूरा हो गया, तो इसका एच सी एफ कितना हो जाएगा दोस्तों 196 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे स्टेप में, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टेप 1, यहाँ से वहाँ उसको डिवाइड कर दिए हैं, यहाँ पे लिखिए स्टेप 1, स्टेप 1। देखिए स्टेप 1 में क्या बताया था दोस्तों, देखिए डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इसमें है क्या बताइए, ये है 38220 इक्वल टू डिविजन कितना है 196 इंटू परसेंट कितना है 195 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया दोस्तों 0, यहाँ तो कैंसिल ही हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर एच सी एफ ऑफ, देयरफॉर एच सी एफ ऑफ 196 एंड 38220 इज कितना 196। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका दोस्तों थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग ये दिया गया 867 एंड 225 का हम लोग एस सी एफ निकालना है। लिखेंगे यहाँ पे क्लियरली, देखिए 867 जो है सो बड़ा है किससे 255 से, इसका एच सी एफ निकालिए 867 यहाँ पे 255। ओके दोस्तों अब देखिए किससे हम लोग लगाएंगे, देखिए ये इसको हम लोग मान लीजिए 3 से लगाते हैं। देखिए आप चेक कर सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए 255 को हम लोग 2 से लगाएंगे तो 25 या 10, 25 या 10 और 1 11, 22 या 4 15, 510 हो गया। अभी और लग सकता है तो 255 को 3 से लगाइए, 255 को 3 से 35 या 15, 35 या 15 1 16, 32 या 6 और 1 7, 765 तो दोस्तों यहाँ पर लगाइए इसको 3 से तो हो जाएगा
सेवन सिक्स फाइव, माइनस कीजिए ये हो जाएगा सेवन में फाइव गया तो हो गया टू, सिक्स में सिक्स गया तो हो गया ज़ीरो, और हो जाएगा यहाँ पे एट में सेवन गया तो हो गया वन। ओके अब यहाँ पे देखिए ये टू फाइव फाइव यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 102 है, यहाँ पे 255 है, तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, 2 से ये जगह 204, 5 में से 4 गया तो हो गया 1, ये हो गया 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 102 आ जाएगा, तो 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 102, ये कैंसिल हो गया। ओके दोस्तों तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेप में ये कम्प्लीट हो गया, पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। इसका एच सी एफ कितना हो जाएगा बताइए, 51 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए देखिए यहाँ पे स्टेप वन लिखिए क्या हो जाएगा, डिविडेंड यहाँ पे क्या बताइए 867, यहाँ पे लिखिए 867 इक्वल टू डिविजन कितना है 255, क्वेश्चन कितना बताइए 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 102। क्या पढ़े हैं दोस्तों, इक्वली डिविजन एल्गोरिथम से डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड यहाँ पे कितना है 867 इक्वल टू डिविजन कितना 255 इनटू क्वेश्चन कितना है 3 प्लस रिमाइंडर। अब स्टेप टू देखिए, स्टेप टू, स्टेप टू में क्या हो जाए देखिए यहाँ पे डिविडेंड कितना है बताइए 255 है, डिविजन कितना है 102 प्लस क्वेश्चन कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना है बताइए 51। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए स्टेप थ्री, देखिए स्टेप थ्री क्या है बताइए, स्टेप थ्री में, स्टेप थ्री में डिविडेंड कितना है बताइए 102 है, तो यहाँ पे लिखिए 102 इक्वल टू डिविजन कितना है बताइए 51 इंटू क्वेश्चन कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना 0। अब दोस्तों देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोगों को एच सी एफ कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। देखिए देयर फोर एच सी एफ ऑफ 867 एंड 225 इज कितना 51। ओके तो ये इसका एच सी एफ हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। यदि मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आया आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।